हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। वैसे तो दही बड़ा सबको बनाना आता है, लेकिन कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाएंगे तो बड़े बहुत ही अच्छे फुले फुले और एकदम सॉफ्ट बनकर के तैयार होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाना शुरू करते हैं। एकदम नरम मुलायम, मुँह में घुल जाए ऐसा दही बड़ा। यहाँ पे मैंने एक कप उड़द की दाल को चार बार अच्छे से पानी से धो के भिगो के रखा है। तो यहाँ पे मैंने दाल को चार घंटे के लिए भिगो के रखा है और दाल का दाना टूट रहा है, एकदम अच्छे से ये भीग गई है। दाल को पानी में से निकाल के मिक्सर जार में डाल देंगे। इस तरह से चारा से निकाल के इसे मिक्सर जार में डालेंगे। अगर आप दाल 5 से 6 घंटे के लिए भिगाओगे तो भी चलेगा। इसे पहले ऐसे ही ग्राइंड करेंगे, पल्स बटन दबा के इसे ग्राइंड करेंगे। दाल थोड़ी ग्राइंड हो गई है, 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। वापस इसे पल्स बटन दबा के ही ग्राइंड करेंगे। मिक्सर को कंटिन्यू चला के इसे ग्राइंड करेंगे तो दाल एकदम गर्म हो जाएगी और मिक्सर जार भी गर्म हो जाएगा और दाल का बैटर एकदम गर्म हो जाएगा तो हम फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से बड़े फूलेंगे नहीं। और इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही ग्राइंड करना है। अभी बैटर अच्छे से अंदर घूम रहा है तो हमें पानी डालने की जरूरत नहीं है और एकदम स्मूथ बैटर बना के रेडी करेंगे। अगर मिक्सर जार थोड़ा सा भी गर्म हो रहा है तो इसमें आप 1 टेबलस्पून जितना फ्रिज का ठंडा पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून फ्रिज का एकदम चिल्ड ठंडा पानी डाल रही हूँ और फिर इसे ग्राइंड करेंगे। बैटर को एकदम स्मूथ ग्राइंड कर दिया है, इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरीके से हम मिक्सर जार में इसे ग्राइंड करते हैं तो आधा बैटर तो मिक्सर में ही फूल के रेडी हो जाता है। अभी हम इसे हाथ से अच्छे से फेंटेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में इस तरह से फेंटेंगे ताकि इसमें हवा भरेगी और वड़ा हम बनाएंगे तो एकदम फुला फुला और सॉफ्ट बन के रेडी होगा। बैटर को मैंने 4 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लिया है और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और बैटर एकदम अच्छे से फूल गया है। एक बाउल में पानी लिया है, इसमें थोड़ा बैटर डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर पानी के ऊपर तैर रहा है। इस तरह का बैटर हमें बनाना है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे कद्दूकस करके डालेंगे। आप इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। 1/2 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके बदले में आप हरी मिर्ची को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। एक ही डायरेक्शन में चला के अच्छे से मिक्स करेंगे। वापस इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेंगे। आपको इसमें काजू और किशमिश डालना है तो वो भी बारीक काट के डाल सकते हैं। तेल एकदम हल्का गरम करना है, थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं बैटर डाला और एकदम हल्का हल्का बबल्स अंदर हो रहा है। इस तरह का एकदम मीडियम तेल गरम करना है। थोड़ा थोड़ा बैटर उठा के इस तरह से तेल में डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखेंगे। आप देख सकते हैं अपने आप ही वड़ा फ्लिप हो रहा है। अभी हम गैस की फ्लेम लो टू मीडियम में रखेंगे और छोटी चम्मच से इस तरह से वड़ा को फ्लिप करेंगे। इस तरह से चारा को हल्का हल्का घुमाएंगे और वड़ा को फ्राई करेंगे तो एक जैसा कलर का वड़ा फ्राई होके रेडी होगा। आप देख सकते हैं वड़ा फूल के कितना बड़ा हो गया है। इस तरह से इसे लगातार चला के लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। वड़ा को फ्राई होने में 6 से 7 मिनट लग जाती है। वड़ा अंदर से कच्चा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसे फ्राई करना है। ये लाइट गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। एक स्ट्रेनर में मैंने किचन टॉवल रखा है, इसके ऊपर निकालेंगे। अब देख सकते हैं वड़ा कितना क्रिस्पी बना है। इस तरह से हम वड़ा को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी वाला हाथ करके डालेंगे तो वड़ा अच्छे से अंदर हम तेल में रख पाएंगे। गैस की फ्लेम एकदम धीमी रखना है। इस तरह से एकदम धीरे से फ्लिप करना है।
आप देख सकते हैं वड़ा कितना अच्छा गोल गोल बन के रेडी होता है और एकदम फुला फुला बनता है। ये भी हो गया है तो इसे निकाल लेंगे। आपको ऐसा लगे कि वड़ा फ्राई करते करते तेल ज्यादा गर्म हो गया है तो थोड़ी देर के लिए गैस बंद कर देना और तेल थोड़ा सा ठंडा कर लेना, बाद में ही इसमें वड़ा डालना। वड़ा एकदम क्रिस्पी और फुला फुला बन के रेडी हुआ है। एक हांडी में मैंने एकदम हल्का गर्म पानी करके लिया है, गुनगुना गर्म पानी लिया है। इसमें एक टीस्पून नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये वड़ा इसमें डाल देंगे। वड़ा के ऊपर ये प्लेट रखेंगे और इस तरह से दबा के रखेंगे ताकि वड़ा पानी में अच्छे से डूब जाएगा। एक से दो घंटे के लिए इसे पानी में रखेंगे। इसे एक घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था। अब देख सकते हैं सभी वड़े पानी में डूब गए हैं और एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। डेढ़ कप एकदम गाढ़ा और फ्रेश दही लिया है और ये 300 ग्राम जितना है। एक टेबलस्पून चीनी डालेंगे, एक चौथाई टीस्पून नमक। दही को अच्छे से फेंट लेंगे, चीनी मेल्ट हो जाए तब तक इसे फेंटेंगे। दही एकदम गाढ़ा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी डाला है। चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। इस वड़ा को आप पानी में भिगो के फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। जब भी इसे सर्व करना है उसी टाइम पे वड़ा को पानी में से निचोड़ के निकाल के फिर दही में डाल के तुरंत ही सर्व करना है। वड़ा को एकदम हल्के हाथ से निचोड़ेंगे, दही में डालेंगे, बहुत ज्यादा इसे दबा के निचोड़ना नहीं है, नहीं तो वड़ा टूट जाएगा। वड़ा को इस तरह से दही में डिप करेंगे और प्लेट में रखेंगे। इसे डिश में रख दिया है, ऊपर थोड़ा दही डालेंगे, इसके ऊपर खजूर इमली की चटनी डालेंगे, चाट की हरी चटनी डालेंगे, भुना जीरा पाउडर डालेंगे, काला नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अनार के दाने डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे। एकदम नरम मुलायम मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसा दही वड़ा बनके रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं वड़ा में कितनी अच्छी जाली भी दिख रही है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर के तैयार हुआ है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।